वित्तीय अनियमितता के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी को पद से हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों सहित कांग्रेस नेताओं ने भी अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और नगर पंचायत अध्यक्ष को फिर से पद पर बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। दरअसल नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी के खिलाफ बोर्ड सदस्यों की शिकायतों को सही पाते हुए शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। शासन के इस फैसले के विरोध में भारी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा के लोग हरि मोहन नेगी के द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इस वजह से उन्होंने उन्हें बर्खास्त कराया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।